प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज हम लोग कक्षा तीसरी विषय गणित प्रकरण है बच्चों मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं गुणा करना, गुणन। हम इसमें आपको दो वीडियो बताएंगे। आज पार्ट वन के बारे में सीखेंगे, दूसरे दिन हम पार्ट टू के बारे में सीखेंगे। बच्चों इस प्रकरण में मल्टीप्लिकेशन में हम क्या क्या सीखेंगे एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग पहले देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन क्या है। इन मैथ टू मल्टीप्लाई मीन्स टू ऐड इक्वल ग्रुप्स व्हेन वी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ थिंग्स इन द ग्रुप इंक्रीजेस द टू फैक्टर्स एंड द प्रोडक्ट आर पार्ट ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। इसका मीन्स है यहाँ पर देखिए जोड़ है, ये जोड़ जब बड़ा हो जाता है 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इक्वल टू 10, 10 तो कितने टाइम्स है 2, 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स है, तो 2 × 5 क्या हो गया 10। मीन्स एडिशन की जो क्रिया है उसके संक्षिप्त रूप में लिखने की विधि को हम गुणा करना बोलते हैं। तो यहाँ पर 2, 2 कितने टाइम्स था 5 टाइम्स था, तो 2 का हम 5 में मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू हो गया 10। यही है मल्टीप्लीकेशन। इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑप्टेंस है, माने पूर्ण दशकों का गुणा कैसे करते हैं। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 digit number बाई ए 1 digit number द लैटिस मेथड। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, 2 अंक वाली तथा 1 अंक वाली संख्याओं का गुणा। लैटिस विधि को हिंदी में बोलते हैं चौखट विधि। मल्टीप्लीकेशन बाय 2 digit number द लैटिस मेथड, 2 अंक वाली संख्याओं का गुणा चौखट विधि से कैसे करेंगे। और इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन वर्टिकल अरेंजमेंट, मल्टीप्लीकेशन वर्टिकल अरेंजमेंट गुणा खड़ा विन्यास करके। मल्टीप्लीकेशन बाय कैरिंग ओवर मीन्स होता है हासिल वाला गुणा, और वर्ड प्रॉब्लम मीन्स होता है शाब्दिक प्रश्न। आज हम इस वीडियो में पार्ट वन में क्या क्या आपको सिखाएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 सिखाएंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 digit number बाई 1 digit number द लैटिस मेथड से सिखाएंगे, मल्टीप्लाइंग 2 2 digit numbers द लैटिस मेथड माने चौखट विधि से। बच्चों अधिकांशता हम अब चौखट विधि से नहीं करके वर्टिकल मेथड से करते हैं, लेकिन हमें सीखना है, अपने कोर्स में है तो हमें सीखना है। तो चलिए हम सीखना शुरू कर देते हैं इधर से। तो बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेंस में क्या है, इसका मतलब क्या है, पूर्ण दशकों का गुणा क्या है, पूर्ण दशकों का गुणा क्या है। किसी संख्या में मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई 10 मीन्स टेकिंग 10 times दैट नंबर। मीन किसी संख्या में 10 से गुणा करने का अर्थ है उस संख्या का 10 गुना करना। किसी संख्या में 10 से गुणा करने का अर्थ क्या होता है बच्चों, उस संख्या का 10 गुना करना। जैसे 3 × 10, 10 × 3 × 10 इज 10 times, 4 × 10 इज 3 × 10 = 3 × 10, 3 × 10, 3 × 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और 4 × 10 क्या हो जाएगा 40, 3 × 10 क्या हो जाएगा 30। ये है 4 × 10 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये देखिए 4 × 10 इजकल टू 40, 5 × 10 इजकल टू 50, 6 × 10 इजकल टू 60, 10 × 10 इक्वल टू 100।
10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 100। बच्चों देन 13 इंटू 10 विल बी 130, 24 इंटू 10 इक्वल टू 240 एंड 40 इंटू 10 इक्वल टू 400 इक्वल टू 400। टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 10 वी जस्ट नीड टू पुट ए जीरो आफ्टर इट। आप यहां पर देख रहे हैं किसी संख्या में 10 से गुणा करने का अर्थ है उस संख्या के आगे एक शून्य लिख देना। किसी संख्या में 10 से गुणा करने का अर्थ क्या है बच्चों? उस संख्या के आगे एक शून्य लिखना। ये देखिए सब में 10 में 10 का गुणा है तो यहाँ पर दो शून्य है, एक के आगे दो शून्य लिखा गया है। तीन में 10 का गुणा है तो तीन के आगे एक शून्य हो गया है। मीन्स टू मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 10 वी जस्ट नीड टू पुट ए जीरो आफ्टर इट। किसी संख्या में 10 से 10 से गुणा करने का अर्थ है उस संख्या के आगे एक शून्य लिखना। इसी प्रकार से 20 इंटू 3 मीन्स क्या है? अब 20 इंटू 3 मीन्स एडिशन के रूप में अगर इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे 2 फाइव 10 है इधर, तो 20 इंटू 3 मीन्स 20 प्लस 20 प्लस 20 कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो गया। इसी प्रकार से 20 इंटू 3 मीन्स क्या हो गया? 2 टेंस है, 2 टेंस 20 में 1 टेंस इक्वल टू 10 यूनिट होता है, तो 20 में 2 टेंस हो गया और 3 मीन्स 2 टेंस इक्वल टू 6 टेंस, ये 60 हो गया। 60 मतलब 6 टेंस, 60 का मतलब क्या हो गया? 6 टेंस। इसी प्रकार से 20 इंटू 6 इक्वल टू 2 टेंस इंटू 6 बराबर क्या हो जाएगा? 12 टेंस, 12 टेंस इक्वल टू 120, 1 टेंस इक्वल टू 10 यूनिट। अगर इसको यूनिट में बदलना है तो 12 यूनिट इक्वल टू 120। 50 इंटू 7 मतलब 5 टेंस इंटू 7 इक्वल टू 35 टेंस, और 35 टेंस का मतलब होता है 350। 1 टेंस इक्वल टू 10 यूनिट, 35 में 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 35। इसी प्रकार से 40 इंटू 5, 40 मीन्स मतलब 4 टेंस इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा 4 फाइव 20 टेंस, 20 टेंस माने हो जाएगा 200, 20 टेंस माने क्या हो गया 200। इफ देयर इज ए जीरो इन द यूनिट प्लेस ऑफ बोथ नंबर्स व्हाट डू वी डू? अगर यूनिट प्लेस पर दोनों में क्या है? जीरो है। यूनिट के प्लेस पर दोनों नंबर में जीरो है तो हम क्या करते हैं बच्चों? तो व्हेन मल्टीप्लाइंग 30 इंटू 20 राइट वन ऑफ द नंबर्स इन द टेंस फॉर्म। 30 इंटू 20 मीन्स 30 इंटू 2t, 30 इंटू 2t, 30 इंटू 2t मीन्स, बट दिस गिव्स अ 60t, दैट मीन्स 600। मीन्स 30 इंटू 20 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 टू जा 6 कर दो और दो जीरो रख दो। ये देखिए 3 टेंस इंटू 2 टेंस इक्वल टू 600। टेंस में 3 टेंस इंटू 6 टेंस इक्वल टू 600, तो बराबर हो गया। इफ देयर इज ए जीरो इन द यूनिट प्लेस ऑफ बोथ नंबर्स देन मल्टीप्लाई द डिजिट इन देयर 10 प्लेसेस एंड राइट टू जीरो आफ्टर द प्रोडक्ट। मीन्स कि यदि दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उसका गुणन करते समय दहाई के स्थान के अंकों का गुणा करके गुणनफल के आगे दो शून्य लिख देना चाहिए। दहाई के अंकों का देखो यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या है? 3 है, और यहाँ दहाई के स्थान पर क्या है? 2 है। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6, इसके आगे क्या लिख दो? दो जीरो लिख दो। अगर दोनों के यूनिट के स्थान पर जीरो हो, अगर दोनों की यूनिट के स्थान पर क्या हो?
जीरो हो। चलिए इसी नियम के आधार पर हम कुछ सवाल करते हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई इफ देयर इज जीरो इन द यूनिट प्लेस ऑफ बोथ नंबर्स देन मल्टीप्लाई द डिजिट्स इन देयर टेंस प्लेसेस एंड राइट टू जीरो आफ्टर द प्रोडक्ट। ये दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उनका गुणन करते समय दहाई के स्थान के अंकों का गुणा करके गुणनफल के आगे दो शून्य लिखना चाहिए। ये देखिए 4 into 50 है तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो 20 हो जाएगा, उसके आगे एक जीरो लगा दो। 3 tens into 3 tens माने 30 multiply by 30 तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 900। 70 into 10 7 into 20 6 into 20 = 120। 4 tens into 2 tens = 8 tens = 800। 20 into 20 = 400। ये हुआ मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर बाई ए वन डिजिट नंबर द लैटिस मेथड। लैटिस मेथड को बोलते हैं बच्चों हिंदी में चौखट विधि। दो अंकों वाली संख्या तथा एक अंक वाली संख्याओं का गुणा किस विधि से? चौखट विधि से। माने इसमें बच्चों हम जब गुणा करेंगे, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा है, विस्तारित रूप पढ़ा है, संख्याओं को हम विस्तारित रूप में लिखते हैं इसके बाद गुणा करते हैं। जैसे यस्टरडे आई बॉट टू बुक्स फॉर 34 रुपीज ईच, गेस हाउ मच आई मस्ट हैव पेड फॉर देम। मीन्स कल मैंने 34 रुपए प्रत्येक पुस्तक की दर से दो पुस्तकें खरीदी, बताओ तो मैंने कितने रुपए दिए होंगे। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, 34 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, टू फाइंड आउट वी मस्ट मल्टीप्लाई 34 बाई 2। अब 34 अभी जब गुणा हम करेंगे 34 को हम लिख सकते हैं 30 प्लस 4, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, विस्तारित रूप हो गया। अब 30 प्लस 4, 34 के स्थान पर लिख देंगे 30 प्लस 4 और मल्टीप्लाई बाई टू। देखिए 30 के स्थान पर ये 3t होगा, 3 tens हो गया, ये 4 यूनिट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। अब हम 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 60 प्लस 8 कर लेंगे। फर्स्ट वी मल्टीप्लाई 30 दैट इज 3 टेंस बाई 2 वी गेट 6 टेंस विच इज 60। ये देखिए 60 आ गया और ये प्लस 8 है। देन 4 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 8। देन लास्टली वी एड 60 एंड 8, दोनों को जोड़ लेंगे तो बराबर हो जाएगा 68। सर्वप्रथम हम 30 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 यूनिट वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टेंस और यूनिट को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, 60 प्लस 8 हो गया। अभी उसको टेंस को भी 6 टेंस आता, 6 टेंस को हमने कन्वर्ट कर दिया यूनिट में क्योंकि 1 tens = 10 units। 1 tens = क्या हो गया, 10 यूनिट हो गया, तो उसका प्लेस वैल्यू हो गया 60 और प्लस 8 = 68। चलिए इसी आधार पर हम थोड़ा और अभ्यास करते हैं। मल्टीप्लाई 37 × 4, लैटिस मेथड से ही करना है, चौखट विधि से करना है। तो 37 को एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चों, 30 प्लस 7। ये देखिए यूनिट, ये 30 हो गया और इसके बाद क्या हो गया, 7 हो गया, मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, 4। 37 × 4, अब 4 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 120। 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28
अब 120 और 28 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 120 और 28 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आएगा 148। हेंस 37 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 148। दूसरा है 56 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 56 को क्या लिखेंगे, 50 प्लस 6, तो 50 और इधर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई इधर 3, तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पच्चे 15 150, और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो गया। अब 150 प्लस 18 कर लो, 168 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 168। 56 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 168। को एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चों, 40 प्लस 2 तो हो गया 40, इधर हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई इसमें लगाओ और ये 3, 3 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 300, 3 4 जा 12 हो गया 120, प्लस 3 2 जा 6, ये 3 2 जा क्या हो गया 6, 120 प्लस 6 इज इक्वल टू 126, तो 42 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 126 बराबर 126। दूसरा देखते हैं 51 मल्टीप्लाई बाई 6, 51 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, 50 और 1 मल्टीप्लाई बाई 6, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 5 जा 30 हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 और 6 1 जा 6, 300 और 6 को ऐड कर दो, ऐड करोगे 306 हो जाएगा, 51 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 306 बराबर। बच्चों आप इस प्रकार से कोई भी दो नंबर लेकर के एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है दो संख्याओं, दो अंकों वाली तथा एक अंक वाली संख्याओं का गुणा, दो अंक वाली तथा एक अंक वाली संख्याओं का गुणा। 73 मल्टीप्लाई बाई 5, 73 को कैसे लिखेंगे बच्चों, 70 लिखेंगे, प्लस 3 हमने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, मल्टीप्लाई बाई 5, 70 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से बन जा 35, 350 हो जाएगा, प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हो गया। अब 350 और 15 को ऐड कर लो, 365 हो गया, तो 73 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 365। 39 मल्टीप्लाई बाई 8, 39 मल्टीप्लाई बाई 8 तो हो जाएगा 30 प्लस 9, 30 और 9। अब 39 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 जा 24 और 1 0 रख दो, और 8 9 जा 72, 240 प्लस 72 इक्वल टू 312, 312 39 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 312। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, ये हुआ तो दो अंक वाली तथा एक अंक वाली संख्याओं का गुणा, अभ्यास के लिए हम करते हैं 37 मल्टीप्लाई बाई 4, 37 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 4 3 जा 12 120, 4 7 जा 28, 120 प्लस 28 इक्वल टू 148, 56 मल्टीप्लाई बाई 3, 50 और 6 मल्टीप्लाई बाई 3, 150, 18 इसको भी मल्टी कर लो, 168 बराबर। मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग टू टू डिजिट नंबर द लेटेस्ट मेथड, दो अंक वाली दो संख्याओं का गुणा चौखट विधि से कैसे करेंगे हम? ठीक वैसे ही करेंगे, दो अंकों की है तो 12 रुपीस आर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच चाइल्ड फॉर ए विजिट टू द जू। इफ 25 चिल्ड्रेन आर गोइंग हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड। प्राणी संग्रहालय देखने जाने समय प्रत्येक बच्चा बस के लिए 12 रुपए देता है, 12 रुपीस। यदि कुल 25 बच्चे जाने वाले हैं तो कितना रुपया इकट्ठा होगा? माने प्राणी संग्रहालय देखने के लिए जू, जू माने प्राणी संग्रहालय होता है, वहां बच्चे जाना चाह रहे हैं और बस से जाना चाह रहे हैं, तो बस का भाड़ा जो है 12 रुपए है और कुल 25 बच्चे जाना चाह रहे हैं तो कितना पैसा इकट्ठा होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, 25 में 12 से गुणा। टू फाइंड इट आउट वी हैव टू मल्टीप्लाई 25 बाय 12। 25 बाय 12 यहाँ पर बच्चों ये 25 है तो इसको हम 20 और 5 के रूप में लिखेंगे, तो 12 को हम 10 प्लस 2 के रूप में लिखेंगे। 12 को हम क्या करेंगे बच्चों, 10 प्लस 2 के रूप में लिखेंगे, तो 25 क्या हो गया, 20 प्लस 5 और 12 हो गया 10 प्लस 2। दो टुकड़ों में करके लिखेंगे सुविधाजनक के लिए अपने। बच्चों कैसे लिखेंगे देखो, यहाँ पर ये 25 है तो इधर 20 लिखेंगे, इधर 5 लिखेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस खाने में 10 लिखेंगे, इस खाने में 2 लिखेंगे। अब पहले 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 200 आ गया, फिर 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो 50 आ गया, अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, 40 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ गया। अब सबको ऐड करो, सबको क्या करो बच्चों, ऐड करो। ऐड कैसे करेंगे, ये 200 पहले लिखेंगे, फिर 50 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे और फिर 10 लिखेंगे। इसको जब हम ऐड करेंगे ये देखिए होता है 300, कितना होता है 300। 25 मल्टीप्लाई बाई 12 इजकल टू 300 रुपीज। 12 रुपीज इकट्ठा किया गया था, 25 बच्चे थे तो कितना इकट्ठा होगा सब, 300 रुपीज इकट्ठा होगा। 300 रुपीज क्या होगा बच्चों, इकट्ठा होगा बराबर। माने प्राणी संग्रहालय जू देखने के लिए बच्चे जाना चाह रहे और बस से जाना चाह रहे तो बस का भाड़ा समझो 12 रुपए है, 25 बच्चे जाना चाह रहे तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 25 में 12 का गुणा कर देते हैं। 25 को 20 प्लस 5 के रूप में लिखते हैं और 12 को 10 प्लस 2 के रूप में लिखते हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 10 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया। तो पहले 10 से दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सबको क्या करते हैं हम इधर जोड़ देते हैं, तो 300 आ गया, 300 आ गया 300। इसी विधि से चलते आगे गुणा करते हैं बच्चों हम, 43 मल्टीप्लाई बाई 23, तो 43 को 40 प्लस 3 लिखेंगे, 23 को 20 प्लस 3 लिखेंगे, 20 प्लस 3 लिखेंगे। अब देखिए कॉलम बना लेते हैं हम, यहाँ पर 40 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 20 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेगी, यूनिट के प्लेस पर 0 है तो 10 टेंस का 2 4 जा 8 करके 2 0 लगा देंगे, 800 हो गया। फिर 3 और 20 है, 3 2 जा 6 और 0 लगा देंगे, फिर 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 हो गया, 1 0 लगा देंगे और 3 3 जा क्या हो गया, 9 हो गया, 3 3 जा क्या हो गया, 9। अब इसको सब ऐड करते हैं तो सबसे पहले 800 बराबर प्लस 60 प्लस 120 और प्लस 9, इसी को ऐड कर देंगे तो 43 मल्टीप्लाई बाई 23 इक्वल टू आपको मालूम हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा, ये जोड़ लो 800 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 9 बराबर 989।
तो 43 मल्टीप्लाई बाई 23 इजकल टू 989 989। इस प्रकार से दो अंक वाली संख्याओं का गुणा हम दो अंक से कर सकते हैं। दो अंक वाली संख्याओं का गुणा हम दो अंक की सहायता से क्या करते हैं बच्चों, करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, 43 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं विस्तारित रूप में, 23 को भी विस्तारित रूप में लिख लेते हैं, इधर देखो लिखा है। इसके बाद कॉलम बनाते हैं 40 और 3, फिर 20 और 3। तो पहले 20 का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो गुणनफल आता है दोनों का, क्या करते हैं हम उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमको गुणनफल प्राप्त हो जाता है 62 मल्टीप्लाई बाई 13। 62 को विस्तारित रूप में लिखो बच्चों, 60 प्लस 2 हो जाएगा, 13 का विस्तारित रूप 10 प्लस 3 हो जाएगा। कॉलम बना लो, अब यहाँ पर 60 लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, फिर मल्टीप्लाई का निशान बनाओ, यहाँ पर 10 लिखो, यहाँ पर 3 लिखो। अब बताइए आप, ये 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 60 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा 600। फिर ये 10 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 में करेंगे, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 60 में करेंगे, तो 180 आ जाएगा। और 3 का मल्टीप्लाई फिर किस में करेंगे, 2 में, तो क्या आ जाएगा 6। अब किसको किसको ऐड करेंगे बच्चों, ये 600 आया है इसको ऐड करेंगे, प्लस 20 करेंगे, प्लस 180 करेंगे, और फिर 6 को करेंगे, फिर क्या करेंगे 6 को करेंगे। चलिए लिख लेते हैं हम, ये देखिए 600 प्लस 20 प्लस 180 और प्लस 6, ये यूनिट के प्लेस पर 6 आ गया, और 8 तो 10 और 6 एक 7 और एक 8, 806 आ गया, 806। ये देखिए तो 62 मल्टीप्लाई बाई 13 इजकल टू 806 इजकल टू 806 बराबर। तो हम लोग दो अंक वाली संख्याओं का गुणा सीख रहे हैं, दो अंक वाली में दो अंक की संख्याओं का गुणा। तो सबसे पहले हम लोगों ने लैटिस मेथड से सीख रहे हैं बच्चों, वर्टिकल मेथड हम अगले वीडियो में सीखेंगे। लैटिस मेथड में होता है हिंदी में चौखट विधि, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, चौखट विधि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चौखट विधि। चलिए आपके अभ्यास के लिए एक और करते हैं हम। अब एक आप करोगे, 13 मल्टीप्लाई बाई 27, 13 गुणे 27, मैं बोल दे रहा हूं इसको आपको करना है, 13 गुणे 27 करना है, उसका गुणनफल क्या आएगा आपको लिखना है। तो बच्चों इसमें हम लोगों ने क्या क्या सिखाया आपको, एक बार रिवीजन थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले बात हमने कहा गुणा, एडिशन का संक्षिप्त रूप ही मल्टीप्लिकेशन होता है। एडिशन, ये देखिए एडिशन हमने आपको बताया था, ये एडिशन है, जोड़ की संक्रिया है, जोड़ को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या है, गुणा की संक्रिया कहलाती है। इसके बाद हम लोगों ने किसी संख्या में 10 का गुणा करने का अर्थ सीखा, माने उस संख्या का 10 गुना, किसी संख्या में 10 से गुणा करने का अर्थ है उस संख्या के आगे एक शून्य बढ़ा देना। यह दो संख्याओं में इकाई के स्थान पर शून्य हो तो उनका गुणन करते समय दहाई के स्थान के अंकों का गुणा करके गुणनफल के आगे दो जीरो लगा देते हैं। दो अंक वाली तथा एक अंक वाली संख्याओं का गुणा हम लोगों ने लैटिस विधि से सीखा, दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणा भी हमने लैटिस विधि से सीखा। प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले वीडियो में गुणा खड़ा विन्यास करके सीखेंगे, हासिल वाला गुणा सीखेंगे और कुछ शाब्दिक प्रश्नों को भी हल करेंगे, ये हम वीडियो नंबर 2 में सीखेंगे। ये हम कहाँ सीखेंगे बच्चों, अपना वीडियो नंबर 2 में सीखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए हम लोग इतना ही।
बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, आप उसका अभ्यास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा, हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।